राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शे के मुताबिक नगर पालिक निगम भिलाई की टीम ने इंदू आईटी स्कूल के समीपस्थ नाला को आगे तक जोड़ने के लिए इंदू आईटी के परिसर के भीतर प्रवेश कर नाप जोखी कर कहां तक नाला जाएगा इसका लेआउट तैयार कर लिया है और स्पष्ट रूप से मार्किंग कर दी है। बारिश के दिनों में इंदू आईटी स्कूल के समीपस्थ क्षेत्रों में होने वाले जलभराव की विकराल समस्या के समाधान के लिए महापौर नीरज पाल स्वयं घंटों धूप में लेआउट होते तक खड़े होकर निर्देश देते रहे। आला अधिकारियों ने इंदू आईटी स्कूल के संचालक तथा मोहल्ले के निवासियों की मौजूदगी में लेआउट का कार्य पूर्ण किया। लेआउट के मुताबिक चंद्रनगर की ओर से आया हुआ नाला इंदू आईटी के कैंपस के भीतर से होकर दूसरी ओर के नाले में जुड़ेगा, जिसके चलते नाला का प्रवाह सुगमता से हो पाएगा और बारिश के दिनों में लगभग 10,000 लोगों को जल भराव से निजात मिल पाएगा। हालांकि सीमांकन की प्रक्रिया राजस्व के अधिकारियों की मौजूदगी में होनी है, जिसके बाद नाले की जद कहां कहां तक जाएगा इसकी स्थिति भी पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगी। राजस्व विभाग के आरआई और पटवारी तथा निगम की टीम सीमांकन के दौरान मौजूद रहेगी और समीपस्थ क्षेत्रों का सीमांकन होगा। इसके रिपोर्ट के मुताबिक और भी अधिक स्थान मिलने की संभावना प्रबल हो जाती है। इंदू स्कूल जो है वो वहाँ पे 3 दिन पहले वार्ड नंबर 14 में मेरा एक कार्यक्रम है महापौर तुहार द्वार, उस कार्यक्रम के तहत मैं उस वार्ड में गया था। वहाँ वार्ड में लोगों की बहुत दिनों से, पिछले कई सालों से बरसात के दिनों में वहाँ पानी लगभग हर घर में 4 फीट 5 फीट पानी भर जाता है। तो जब वहाँ मैंने पैदल उस वार्ड का दौरा किया तो मालूम चला उसके साथ लगे हुए और 2-3 वार्डों की यही स्थिति रहती है और लगातार लंबे समय से ये स्थिति हर बरसात में बनती है। तो उसके निराकरण के लिए जब हम उस नाले के साथ साथ चलते गए तो एक जगह पर हमको दिखा कि वो उस संस्थान द्वारा उसको नाले को डाइवर्ट करके मूल नाले का स्वरूप बदल करके पुराने नाले को बंद कर दिया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से भी आपराधिक मामला दर्ज होने लायक स्थिति है। लेकिन अभी उससे हमने बात की है कि वो अपने मूल स्वरूप में उस नाले को कर दे और उसका हमने निगम और रेवेन्यू की टीम के साथ उस नाले की वास्तविक स्थिति को देखने की कोशिश की है। आज भी वहाँ पे राजस्व विभाग की टीम माननीय कलेक्टर साहब के निर्देश पर वहाँ का सीमांकन कर रही है। सीमांकन के बाद उसकी जो भूमि है उस भूमि का चिन्हांकित कर लिया जाएगा और नाले का जो मूल स्वरूप था कोशिश की जाएगी कि उसी के द्वारा उस नाले को वापस किया जाए और नहीं तो उसके ऊपर मामला भी हम दर्ज कराएंगे, क्योंकि मूल नाले को जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन हैं, जो एक्ट है कानून के तहत भी, वो बहुत गलत है। निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की। समय सीमा क्या है, अब हमको तो जिस दिन हमने देख लिया उसी दिन से समय सीमा चालू हो गई। अभी ये है कि आज जब उसका सीमांकन हो जाए तो फिर हम पूरी बात हम आपको शाम को या कल बता पाएंगे कि एक्चुअल स्थिति क्या है। बहरहाल लेआउट से वर्तमान स्थिति अभी तक स्पष्ट हो चुकी है। लेआउट करने के दौरान अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, सीनियर पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा, स्थानीय पार्षद अभिषेक मिश्रा सहित अन्य नगर निगम के आला अधिकारी और गणमान्य उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।